हाय फ्रेंड्स, मैं शिखा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका अपने किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों के फेवरेट पोटैटो नगेट्स, जो कि बहुत ही इजीली घर पे बन जाते हैं। हम मार्केट से ला के बच्चों को फ्रोज़न पोटैटो नगेट्स खिलाते हैं, वो उनको हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। तो आज बनाना शुरू करते हैं एकदम फ्रेश और बहुत ही ईजी पोटैटो नगेट्स। पोटैटो नगेट्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के आलू, जिनको उबाल लिया और इनका छिलका उतार के घी अकस में घिस लिया। इनको 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, बाकी नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1/4 टीस्पून गार्लिक पाउडर लिया है, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। मिक्स हर्ब लिए हैं 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने लिए हैं चिली फ्लेक्स, 2 टेबलस्पून मैंने लिया है प्रोसेस चीज़, 4 से 5 टेबलस्पून मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स और 4 से 5 टेबलस्पून अरारोट लिया है यानी कि कॉर्नफ्लोर। और नगेट्स को डीप फ्राई करने के लिए मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल। तो नगेट्स बनाने के लिए सबसे पहले ये जो उबले हुए आलू हैं मैश किए हुए, इनको मैं एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। 1 टीस्पून इसमें मैं डाल देती हूँ कॉर्नफ्लोर, नमक भी डाल देते हैं, चिली फ्लेक्स, गार्लिक पाउडर, बाकी आप इसकी जगह गार्लिक पाउडर की जगह फ्रेश गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं, मिक्स हर्ब की जगह भी आप ऑरिगेनो यूज़ कर सकते हैं, और ये ब्लैक पेपर पाउडर, प्रोसेस चीज़ भी डाल देंगे। और अब इन सारी चीज़ों को हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आलू में मैंने सारी चीज़ें अच्छे से मिला दी हैं, लेकिन नमक डालने के बाद आलू थोड़े से गीले हो जाते हैं, तो बिना फ्रिज में रखे हुए ये नगेट्स हमारे बन नहीं पाएंगे। तो अब हम इस मिक्सचर को ढक देते हैं, 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, उसके बाद हम नगेट्स बनाएंगे। तो ढक देते हैं इसको, 1 घंटा हो गया है, मैंने फ्रिज में से इस मिक्सचर को निकाल लिया है आलू के, और हम इसे टच करें तो देखिए बिल्कुल हार्ड हो गया है। और मैंने ये जो कॉर्नफ्लोर था इसमें मैंने पानी डाल दिया, तो मैंने इसमें 3 टेबलस्पून पानी डाला है, बहुत ज़्यादा पतली हमें इसकी स्लरी नहीं बनानी है। और ये ब्रेड क्रम्स भी रख लेते हैं, और अब हम नगेट्स बनाना शुरू करते हैं। तो हाथों को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है, और इसमें थोड़ा सा मैं मिक्सचर लेती हूँ, और इस मिक्सचर को लोई बनाइए इसकी, और इसको ऐसे हाथ से ऐसे लंबा कर लेंगे, और इसमें से थोड़ा सा एक टुकड़ा तोड़ेंगे, छोटी सी लोई, और इसको हल्के से ओवल शेप दे देंगे, और इसको हम स्लरी में डिप करेंगे। स्लरी में डिप करने के बाद हम इसको निकाल के इसमें से और फटाफट ब्रेड क्रम्स में डिप कर देंगे, अच्छे से इसमें चारों तरफ ब्रेड क्रम्स पूरा कवर कर देंगे इससे, और फिर हम इसको अलग रखते जाएंगे एक प्लेट में, दूसरा भी ऐसे ही बनाएंगे, और सारे ही नगेट्स हम ऐसे ही बनाते जाएंगे। जस्ट थोड़ा सा हमने लिया आलू का मिक्सचर और इसको हाथ से गोल किया और इसको नगेट्स की शेप दे दी, ये इस टाइप से ओवल, फिर इसको स्लरी में हम डाल देंगे, और स्लरी में से निकाल के इसको ब्रेड क्रम्स में कवर कर देंगे। ये प्रोसेस करने से हमारे जो नगेट्स हैं बिल्कुल एकदम ऊपर से क्रंची बनेंगे, और ऐसे ही सारे नगेट्स बना के हम रखते जाएंगे। सारे नगेट्स हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं, लेकिन अभी हम इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे, ये नहीं तो ये फट जाएंगे। अभी हम इसको 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं, और उसके बाद हम इनको डीप फ्राई करेंगे।
नगेट्स को आधा घंटा हो गया है फ्रिज में से निकाल लिया है और अब हम इनको डीप फ्राई कर लेते हैं। तो कढ़ाई का ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, गैस को बिल्कुल सिम कर दिया है। हमें कम गर्म ऑयल में नगेट्स नहीं डालने, नहीं तो ये फट जाएंगे। तो ध्यान रहे कि ऑयल हमारा खूब अच्छा गर्म हो। और अब मैंने गैस को सिम कर दिया और एक एक करके नगेट्स जितने एक बारी में आ जाएंगे डाल देंगे। नगेट्स को गोल्डन ब्राउन होने तक हम डीप फ्राई कर लेंगे और इनको एक बारी के तलने में 2 से 3 मिनट लग जाते हैं और मीडियम हाई गैस पे हम इनको फ्राई कर रहे हैं। नगेट्स हमारे अच्छे से सिक गए हैं और इनको निकाल लेंगे हम। एक टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे जिससे जो एक्स्ट्रा ऑयल है सारा टिश्यू पेपर में आ जाएगा। और सारे नगेट्स ऐसे ही डीप फ्राई कर लेंगे। पोटैटो नगेट्स हमारे एकदम क्रंची बनके बिल्कुल तैयार हैं। एक मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, देखिए एकदम कितना क्रंची है ये देखिए, और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है ये। तो आप भी पोटैटो नगेट्स घर पे बनाइए, सबको खिलाइए और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर जरूर कीजिए। और ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ देखते रहने के लिए प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।